नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। देश का नक्शा बदलेगी मोदी सरकार, नीति आयोग ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर्यटन नक्शे में होंगे शामिल। बीजेपी नेता ने अन्ना हजारे को लिखा खुला खत, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल को कुछ समझाओ। केजरीवाल के विधायकों पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोपों का दिया हवाला। पाक में तैनात भारतीय राजनयिकों को सरकार की सलाह, बच्चों को स्थानीय स्कूलों में न पढ़ाएं, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। पाक ने बताया भारत का अंदरूनी मामला। बलात्कार पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी असामान्य भ्रूण गिराने की इजाजत, 7 सदस्यीय कमेटी के रिपोर्ट के बाद लिया फैसला, महिला की जान को कोई खतरा नहीं। और अमेरिका के फ्लोरिडा में हथियार बंद हमलावर ने नाइट क्लब में की भयंकर फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 17 घायल। पिछले महीने के नाइट क्लब में हुए हमले में हुई थी 50 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लक्ष्यों में देश के पर्यटन को बढ़ावा देना प्रमुखता से शुमार है। अतुल्य भारत और भारत दर्शन जैसे नारों के बीच अब देश के पर्यटन का नक्शा बदलने वाला है। सरकार इस नक्शे में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के अलावा गुजरात के आसपास के कई द्वीप को भी पहली बार बतौर पर्यटन क्षेत्र शुमार करने वाली है। बताया जाता है कि भारतीय पर्यटन मानचित्र को विस्तार देते हुए 21 द्वीपों को पहली बार जनता के लिए खोलने पर सहमति बन रही है। हालांकि इन्हें किन शर्तों पर खोला जाएगा, इस पर संस्कृति, पर्यटन, वन, पर्यावरण, सड़क परिवहन व जहाजरानी और रक्षा मंत्रालय बीच अंतिम बातचीत होनी बाकी है। फिलहाल नीति आयोग गृह मंत्रालय के साथ इस परियोजना पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक महिला को 24 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी। कोर्ट ने MTP एक्ट की धारा 5 के तहत महिला को ये इजाजत दी। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित 7 के AM मेडिकल कॉलेज की 7 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि इस कदम से महिला की जान कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि 24 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की मांग करने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही वह मामले में आदेश देगा। खुद को रेप पीड़ित बताने वाली महिला का कहना है कि उसका भ्रूण सामान्य नहीं है और अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है। दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सरदार RP सिंह ने समाज सेवी और अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी अन्ना हजारे को एक खुला खत लिखा है। इस खत में सिंह ने अन्ना से केजरीवाल की शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल आज जहां पहुंचे हैं उसमें अन्ना के आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में अब जब केजरीवाल की सरकार में गड़बड़ियां सामने आ रही है तो अन्ना को उनके खिलाफ भी सामने आना चाहिए। बीजेपी नेता ने लिखा है कि केजरीवाल के विधायकों पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोप लगे। यही नहीं, CM बनने के बाद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के अपने वादे को पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल खुद की सरकार में भी गड़बड़ियों को अनदेखा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में तैनात भारतीय राजनयिकों को सलाह दी है कि वो अपने बच्चों को वहां के स्कूलों से निकालकर भारत या किसी अन्य देश में पढ़ने के लिए भेजे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों का वाला देते हुए ये सलाह दी गई है। पाकिस्तान के पिछले शैक्षणिक सत्र में करीब 50 से 60 स्टूडेंट पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे थे। भारत सरकार का फैसला मौजूदा सत्र से प्रभावी होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने इस मसले पर कहा कि भारत का अंदरूनी प्रशासनिक मामला है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा के फोर्ट पेयर्स में स्थित नाइट क्लब ब्लू में हमलावर घुसा और फायरिंग शुरू कर दी। घटना रात में करीब 1 बजे के आसपास की है। स्थानीय पुलिस ने घटना में अब तक 17 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने क्लब को घेर लिया। बता दें कि फ्लोरिडा में बीते महीने एक गे नाइट क्लब में हमला हुआ था जिसमें करीब 50 लोग मारे गए थे। पूर्व क्रिकेटर और सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार राज्यसभा से अपने इस्तीफे को लेकर चुप्पी तोड़ दी। सोमवार को बीजेपी नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके लिए पंजाब से बड़ा कुछ नहीं है, पंजाब उनका घर है, लेकिन उन्हें दिल्ली से ऑर्डर आया कि पंजाब से दूर रहो।
सिद्धू ने कहा कि इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने कहा, दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से ऊपर नहीं है, अगर ये पहली बार होता तो मैं सहन कर जाता, लेकिन तीसरी चौथी बार ऐसा हुआ। सिद्धू को तब पंजाब से चुनाव लड़ने बोला जब विरोधी लहर थी। सिद्धू जीता, लोगों ने विश्वास किया और चार बार मौका दिया, लेकिन जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी डूबे ही, सिद्धू को भी डुबो दिया। सावन का पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ, भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो या फिर उज्जैन के महाकाल या फिर हो देवघर के भोले बाबा, सभी जगहों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इसके साथ ही हर शहर में शिवालयों पर भी भक्त उमड़े हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूरी विधि विधान से महाकाल की भस्म आरती हुई, फिर पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए भक्त उमड़े हुए हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। 9000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भाग चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बैंकों के समूह की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर माल्या को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के समूह ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या ने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया, ये कोर्ट की अवमानना है, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या से उनकी संपत्ति का सील बंद लिफाफे में ब्यौरा मांगा था। बैंकों के समूह ने हाल ही आरोप लगाया था कि माल्या मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें कि विजय माल्या इस वक्त ब्रिटेन में है और फिलहाल उनके भारत वापसी के कोई आसार नहीं लगते। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप नेताओं की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए पार्टी के दिग्गज नेता आशुतोष ने सोमवार को कहा कि केंद्र से दिल्ली का हक मांगना धर्म युद्ध है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप किसी से नहीं डरती, बीजेपी चाहे तो कल की बजाय आज ही संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दे। आप नेताओं की गिरफ्तारी पर आशुतोष ने आगे कहा, गुजरात गोवा पंजाब हिमाचल में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आपको फंसा रहे हैं, हम लोगों ने घर में कह दिया है कि किसी भी दिन पुलिस आकर आशुतोष को गिरफ्तार कर सकती है, गंदे आरोप लगाए जा सकते हैं, मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि घबराना मत, मोदी जी इस गंदी राजनीति के सर्वेसर्वा है, हम इससे नहीं डरते हैं, कल की बजाय आज संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। खबरों के सफर में फिलहाल उतना ही, देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।